हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो है ये एप्पल की खीर, जो कि आप देख सकते हैं दिखने में कितनी यम और टेस्टी दिख रही है। आप इसे खा के तो बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएंगे कि ये एप्पल से बना हुआ है। और जो लोग लेजी हैं एप्पल खाने में, उनके लिए तो ये सरप्राइजली होगा कि इतनी टेस्टी और यम कैसे बन सकती है एप्पल की खीर। और बच्चे जो एप्पल खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उनको इस तरह से खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए चलती हूँ मैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दो एप्पल लिया है। मैंने ये वाशिंगटन एप्पल लिए हुए हैं जो कि खाने में मीठा ही होता है। आप देख लीजिएगा, आपको जो मीठे एप्पल दिखे मार्केट में वही लीजिएगा, जो थोड़े खट्टे ना हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसे पील करके फिर मैं इसे ग्रेट करूँगी कद्दूकस में। तो फिर पहले मैं इसे पील कर लेती हूँ और फिर ग्रेट करने के बाद आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 चम्मच जितना देसी घी ले लिया है गर्म करने के लिए। और ये देखिए, मैंने एप्पल को ग्रेट कर लिया है। तो 2 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची मैं यहाँ पे ऐड करूँगी घी में। फ्लेम को आप ज़्यादा हाई मत रखिएगा, बर्तन और घी दोनों ही जल जाएंगे, तो इसलिए उसे मीडियम टू स्लो ही रखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एप्पल ऐड कर दूँगी और एप्पल को मैं इसके घी में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सॉटे करूँगी। हमें तब तक भूनना है जब तक कि एप्पल का जो जूस है वो वैपोरेट ना हो जाए। तब तक आप इसको भूनिएगा घी में और ये आप देखेंगे कि एप्पल साथ साथ गल भी जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जूस है एप्पल का। तो जब तक कि ये जूस बिल्कुल वेपोरेट ना हो जाए तब तक मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूंगी। तो मैं पहले इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ और जब ये पूरा जूस वेपोरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम शुगर ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसमें देसी खांड ऐड कर सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। और यहाँ पे मैंने एक साइड में 3 कप जितना दूध गाढ़ा होने के लिए बिठा दिया है। तो ये 3 कप जितना दूध है इसे मैं 1.5 कप जितना गाढ़ा करूंगी। तो एक साइड पे मेरा ये दूध गाढ़ा हो रहा है और दूसरे साइड पे मेरा एप्पल भुन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी जा चुका है, इसका एप्पल का जूस वेपोरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तो शुगर और एप्पल को हम एक साथ पकाएंगे और यहाँ पे अभी दूध गाढ़ा हो रहा है, मुझे जितना गाढ़ा चाहिए वो भी उतना नहीं हुआ है। तो शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से भी ऐड कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड और किशमिश डाला हुआ है और साथ ही थोड़ी सी कार्डमम पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो इन सबको मैं एप्पल के साथ भून लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, और इसे भूनूंगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए। और इसको भूनने के बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और जब हमारा एप्पल पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो ही मैं इसे दूध में मिक्स करूँगी। दूध का भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के जितना ही होना चाहिए और दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा तभी आप दोनों को मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे दूध भी मेरा ऑलमोस्ट गाढ़ा होने ही चला है। तो इसे और थिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से मखाना लूँगी और उसे रोस्ट कर काफ़ी पाउडर सा बना लूँगी। पूरा चूरा कर दीजिएगा, ग्राइंड कर लीजिएगा आप। तो इसे हल्का सा मैं रोस्ट कर रही हूँ, 1/2 चम्मच जितना देसी घी डालकर, शुद्ध घी डालकर।
तो इसे रोस्ट करने के बाद मैं इसे क्रश कर लूँगी और इसे दूध में मिक्स कर दूँगी। अगर आप मेरी तरह जल्दी में हैं, दूध गाढ़ा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से ये मेथड अपना सकते हैं शॉर्टकट, ताकि दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो दूध ऑलमोस्ट गाढ़ा हो ही चुका है। इसे और थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मखाना का पाउडर बना के इसमें ऐड कर दिया है। इससे दूध का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल पक जाएगा आपस में, मखाना और दूध एक साथ हो जाएंगे, तो फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और दूध को भी रूम टेम्परेचर जितना आने तक वेट करूंगी। उसके बाद ही मैं इन दोनों को, एप्पल को और दूध को, मिक्स करूंगी आपस में। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ठंडा होने के लिए, कि काफ़ी बार होता है एप्पल गर्म और दूध गर्म हो, या एप्पल या दूध दोनों में से कोई भी गर्म हो तो दूध फट जाता है। तो इसलिए ठंडा होने दीजिएगा जब भी मिक्स कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका खीर फट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। तो बस अब मैं इसे बाउल में निकाल दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पे देखिए मेरा एप्पल और मिल्क दोनों ही ठंडा हो चुका है, तो मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं फटेगा और काफ़ी गाढ़ा बनके आपका खीर तैयार होगा। जैसा कि खीर का टेक्सचर होता है वैसा ही बनेगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल चिल्ड पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। आप ये देखिए कितना गाढ़ा और कितना थिक खीर बनके ये तैयार हुआ है, और दिखने में कितना यम और टेस्टी लग रहा है। सीरियसली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये। तो जो एप्पल खाने में लेजी हैं और जिन्हें एप्पल रॉ पसंद नहीं है, उन्हें ये ज़रूर खिलाइएगा, बहुत पसंद आएगा। और एप्पल हेल्दी तो होता ही है, और दूध के साथ मिल जाए तो ये सुपर हेल्दी हो जाएगा और टेस्टी भी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार तो ट्राई बनता है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़े से और भी ड्राई फ्रूट डाल के इसे डेकोरेट कर दें, और इसे ठंडा या नॉर्मल जैसे चाहें वैसे परोसे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।